आप सुन रहे हैं किस्से और कहानियां प्रथमेश के साथ, और आज की कहानी है द परफेक्ट मर्डर। अब बताओ, तुमने अपने पति का खून किया कैसे? अगर ये बात शौना को पुलिस वाले कम से कम 125 बार नहीं पूछ चुके होते तो शौना को यकीन होता कि उनके पास कोई सबूत है। और सच तो यही था कि उनके पास सिर्फ एक उम्मीद थी। शौना के पति का खून हुए अब 13 दिन हो चुके थे और पुलिस ने शौना को उसके 18वीं मंजिल के पेंटहाउस से हिरासत में ले लिया था। घर में घुसपैठ की कोई निशानी नहीं थी। खिड़कियां दरवाजे सभी बंद थे। घर के बाहर और बिल्डिंग में लगे कैमरों में किसी के आने जाने की कोई खबर नहीं थी। पुलिस को खबर पहुंची थी शौना के पति के फोन से भेजे गए एक ऐसे मैसेज से जिसमें उनकी जान को खतरा है, ये बात जाहिर थी। और जब पुलिस देर रात मिले मैसेज को पुख्ता करने पहुंची तो उन्हें मिली शौना और उनके मृत पति देव। मैंने उनका खून नहीं किया है। अब अगर 125 बार शौना ने भी यही जवाब नहीं दिया होता तो उसे हिरासत में रखने की जरूरत क्या होती? वो जानती थी कि उनके पास सबूत तो क्या सबूत की परछाई भी नहीं थी। अगर कोई उम्मीद थी सच्चाई जानने की तो वो होती शौना के मुंह से निकली स्वीकृति। पर इस बात की इस तरीके से पुष्टि क्या सच्चाई का प्रमाण होती या बस एक डर का आलम? क्या शौना का कोई हाथ था अपने पति के खून में या उसे फंसाया जा रहा था? आखिर शौना कहाँ थी जब उसके पति पर हमला हुआ? मैंने आपको पहले भी बताया है, मैं अपने कमरे में थी, सो रही थी। जल्दी सुबह आप लोगों के आने से मैं उठी और मेरे पति जहाँ आपको मिले वहीं मैंने भी उन्हें देखा। उनके हालात का बयान देने की शायद आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने ही मुझे किनारे किया, जांच पड़ताल की और तब से आप ही के साथ हूँ। बड़ा सीधा हिसाब था। शौना के मुताबिक आपस में हुए किसी झगड़े के कारण पतिदेव रात को देर से लौटे, जो कैमरा में दिख रहा था। क्योंकि झगड़े में मूड खराब था, ना तो शौना ने उनसे बात की और ना ही उन्होंने शौना से। पतिदेव ने खाना भी नहीं खाया और ना ही उनके खून में कोई जहरीला या शक्की पदार्थ मिला। शौना के पति को किसी चीज से एलर्जी भी नहीं थी। बस बात थी तो इतनी कि अचानक से उनकी मृत्यु से पहले उन्होंने अपने जान के खतरे की बात पुलिस में अपने एक दोस्त को दी, इतना लिखकर कि आई एम डाइंग। और फिर ना कोई वार्तालाप ना कोई जवाब, सिर्फ उनका शव ही उसके बाद उन्हें मिल पाया। शौना के खिलाफ कोई सबूत नहीं थे। सबूत तो क्या, अब तक विशेषज्ञों को समझ ही नहीं आया कि आखिर मौत हुई कैसे, इसके पीछे का कारण क्या है। दिल मजबूत था, ना कोई शरीर पर घाव थे, ना ही गले पर कोई निशान, फेफड़ों में भी कोई चोट नहीं थी और ना ही कोई हड्डी या मांसपेशी अपनी जगह से अलग। बस यूं मान लो अचानक वो चल बसे, और जाने से पहले यमदूत ने स्वयं मैसेज लिखकर उनके दोस्त को भेजा होगा। बात बहुत ही अजीब थी। अजीब बात तो यह है कि आपने 2 हफ्ते से मुझे हिरासत में रखा हुआ है, शौना ने अकड़ कर एक दिन पुलिस से कह ही दिया। आप शक मुझ पर कर रहे हैं और असल वजह, असली कातिल कहीं बाहर घूम रहा होगा। आप समझिए, मैं खुद ध्वस्त हूँ इस बात से, मुझे जाने दीजिए प्लीज। और शौना की इस बात का पालन पुलिस को करना ही पड़ा, इसलिए नहीं कि उसने कहा था, पर इसलिए क्योंकि बिना सबूत के शौना को पकड़ कर पुलिस नहीं रख सकती थी, ना चाहते हुए भी। जो इंस्पेक्टर इस केस की तहकीकात कर रहे थे उन्हें अपने शक के अधूरे गिरफ्त को हटाकर शौना को छोड़ना ही पड़ा। शौना अपने घर पहुंची। 2 हफ्ते पुलिस की रिमांड पर रहने के बाद उसका मन किया कि वो तरोताज़ा हो, और शौना ने अपने सुडौल सुंदर बदन से अपने झरे हुए कपड़े उतारे। निशान नहीं थे, निशान तो शौना के शरीर पर थे, उसके पति के गुस्से की उतरन, उसकी पीठ पर पड़े लाल धज्जों से। रक्त में कोई जहर की निशानी नहीं थी। जहर तो शौना की जिंदगी में घोल रखा था उस आदमी ने। अपने मानसिक द्वंद्व का भयानक प्रकोप, अपनी बदलती भावनाओं से मुटाव रखना, अपने शब्दों से, अपने बर्ताव से शौना की जिंदगी को नियंत्रण में रखना, विष तो शौना के आंसुओं में सागर स्वरूप भरा था। शौना ने शावर के नीचे अपना शरीर साफ किया और अपने पाप भी। खाने में नमक के अति का प्रभाव कुछ ऐसा ही होता है। जितनी भी बार शौना के पति उसको मारते, उस पर चिल्लाते, उसका जीना हराम करते, उतनी बार शौना अपने पति के खाने में
पानी में लगभग हर तरीके से नमक की मात्रा बढ़ाती रहती और आखिर हुआ वही जिसकी उसे उम्मीद थी। पानी की बेहरफ कमी होने के कारण और अचानक एक दिन शराब ज्यादा पीने से शरीर जो सूखा उनके बदन में मान लो कि आपात अकाल पड़ गया। जब वो घर आए तो पानी की कमी होने के कारण उस दिन उनके शरीर ने उनका साथ देना धीरे धीरे कर अचानक छोड़ दिया। शौना जानती थी कि उसकी तरकीब एक टाइम बॉम्ब है, बस एक दिन फटेगा और वही हुआ। पोस्टमार्टम में अगर कोई अजब बात देख भी लेता तो यही होती कि मांसपेशी में नमक की मात्रा अचानक ज्यादा है जो मृत शरीर सूखने के कारण ऐसे ही दिखने लगती है। किसी को भी पता नहीं चलता कि आखिर इस मौत को अंजाम दिया कैसे गया होगा। जो आम रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा ही लगती है, आखिर उसको मौत का कारण कैसे बनाया जाए। अगर शौना के पति आज जिंदा होते तो शायद जरूर इस बात को समझकर कुछ बदलाव लाते और शौना को कोई गलत कदम या योजना नहीं बनानी पड़ती। पर अगर आज शौना के पति जिंदा होते तो शायद शौना ना होती और उसका शव मिलता जिसके खून से जहर और शरीर पर निशान मिलते पर मौत का कारण वहां भी ना मिलता। किसी एक का तो हो ही जाता द परफेक्ट मर्डर। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इस कहानी का ऑडियो आप सिर्फ सुनना चाहते हैं तो उसे सुन सकते हैं सिर्फ और सिर्फ कुकू FM पर। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।